ड्रीम इलेवन खेलना कैसा है और अगर जीत गए तो उसका इस्तेमाल कहां किया जाए। ड्रीम इलेवन और इस तरीके के जितने ऑनलाइन खेल हैं ये सब जुआ है, जुआ, ये सब जुआ है, सट्टाबाजी है और ये सब हराम है। अपनी कमाई को आप हराम मत कीजिए, बस इतना कहूंगा। हलाल के बहुत सारे रास्ते हैं, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, मेहनत कीजिए, हलाल का 100 रुपया कमाइए वो हराम के 1000 रुपये से बेहतर है। ये ड्रीम इलेवन वगैरह के ड्रीम के चक्कर में मत पड़िए, ये सब जुआ खिलाया जा रहा है नौजवानों को, ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। पहले ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है। तो अल्लाह की बारगाह में गुनाह करने के बाद जो मुत्तकी लोग होते हैं वो गुनाह के ऊपर डटे नहीं रहते हैं, इसरार नहीं करते हैं, वो अपने गुनाह का इकरार करते हैं, अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लेते हैं। मेरे प्यारे नौजवान साथी, आज कितने नौजवान हैं वो गलत काम कर रहे हैं मगर उनको ये एहसास नहीं है, उनको ये एहसास नहीं है कि हम गलत काम कर रहे हैं। तौबा करने का ख्याल भी उनके दिल में नहीं आता है। आओ मैं तुमको बताऊं कि तौबा किसको कहते हैं। तौबा 4 चीजों का नाम है। कभी गाड़ी चलाई है आपने, कार चलाई है? कार आप जब चलाते हैं तो कार को जब पलटाते हैं आप, जब यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न लेने का नाम है तौबा। तौबा का मतलब होता है यू टर्न लेना, तौबा का मतलब होता है पलट के आ जाना। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक इंसान ने गलत काम किया तो वो सीधे रास्ते से भटक गया था और जब उसने तौबा किया तो उसने यू टर्न ले लिया, उस सही रास्ते पर वापस लौट के चला। आजकल बड़ा एक मुद्दा गरमाया हुआ है, मौलाना अरशद मदनी ने कह दिया कि साहब भारत में तो सारे लोग मुसलमान थे, इसलिए जो लोग इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब में चले गए वो घर वापसी करें, हमें घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले इंसान जिनको कुरान में आदम कहा है और वेदों में मनु कहा गया है और मनु की औलाद मनुष्य है और आदम की औलाद आदमी है, इंसान है, तो आदम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे, इस्लाम के फॉलोवर थे, लिहाजा इस दुनिया का सबसे पहला धर्म इस्लाम है। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा रईस अहमद नदवी रहमत की तहकीक के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो इसी भारत वर्ष में आए थे, भारत की सरजमीन पर आए थे, लिहाजा भारत का सबसे प्राचीन अगर कोई धर्म है तो वो इस्लाम है। लिहाजा इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब में जो लोग गए हैं उनको घर वापसी करने की जरूरत है, मुसलमान को घर वापसी करने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको और बताऊं, जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा यहूदी नहीं होता है, बच्चा हिंदू नहीं होता है, बच्चा मुशरिक नहीं होता है, बच्चा तौहीद पर पैदा होता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा फितरत पर और इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, उसके माँ बाप उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप ईसाई बनाते हैं, माँ बाप मजूसी बनाते हैं, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम नेचुरल तरीका है, जिस तरीके पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो इस्लाम का तरीका है, और जब इस्लाम को छोड़ता है कोई तो वो गलत रास्ते पर जाता है। इसीलिए सच्चे रास्ते पर लौट आने को तौबा कहा जाता है। और याद रखिए तौबा के अंदर 3 चीजें पाई जानी जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। आज की तकरीर की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझ लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई तौबा किसको कहते हैं तो आप बता दीजिए कि तौबा के अंदर 3 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहली चीज तौबा के अंदर नदामत होनी चाहिए। मैंने गलत काम किया है, ये काम सही नहीं था, और इसीलिए जो बिदात करने वाले होते हैं उनके अंदर तौबा करने का ख्याल बहुत मुश्किल से आता है। अभी मैं कलिया चक से आपके इस गांव तक आ रहा था, चिलमारी तक आ रहा था, रास्ते में साहब टोपी लगा करके और कब्रस्तान पे खड़े होकर के सलाम पढ़ा जा रहा, रास्ते भर ये मंदिर मुझको मिला। और जब कटिहार स्टेशन मैंने क्रॉस किया और कटिहार का जब ब्रिज आया है तो देखा हमारा नौजवान बेचारा जो है वो
कैमरे के जरिए वो क्या वीडियो बनाते हैं ना, कोई चल करके आ रहा है, स्लो मोशन में कोई वीडियो बना रहा है, यानी शबे बारात की रात ये भी हो रहा है। कोई इबादत कर रहा है, कोई बेचारा सेल्फी ले रहा है, कोई स्लो मोशन में वीडियो बना रहा है। तो जो जो बिदातें होती है, बिदातों के सर पैर क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बिदात करने वाला ये सोच करके करता है कि मैं बहुत नेक काम कर रहा हूं। कल से मेरे मोबाइल पर बार बार मैसेज आ रहा है, मौली साहब शबे बारात का रोजा रखना कैसा है, मौली साहब शबे बारात की रात में इबादत करना कैसा है। याद रखिए, इस्लाम में शबे बारात के नाम से कोई रात नहीं है। ये शबे बारात का तसव्वुर ये शियों के यहां से आया है। इस्लाम में शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये शियों का अकीदा है, उनके 12वें इमाम की पैदाइश उनका कहना है 15 शाबान को हुई है और उसी जश्न को उन्होंने शबे बारात का नाम दे दिया। ना तो अल्लाह के नबी से शबे बारात की रात की कोई फजीलत साबित है, ना उस रात में इबादत करना साबित है, ना दिन में रोजा रखना साबित है, ना यह आतिशबाजी करना साबित है, ना मस्जिदों को सजाना साबित है, ना कब्रिस्तान पे जाना साबित है, ना मुर्दों के लिए मगफरत की दुआ करना साबित है। एक साहब कहने लगे हलवा कैसे हराम हो गया, सूजी जायज है, चीनी जायज है, देसी घी जायज है, नारियल और जायज है, और आप कहते हलवा हराम, सबको मिक्स कर दिया तो हलवा बन गया, आप कहते हलवा हराम है। मैंने कहा भाई हलवा हराम नहीं है, हलवा हराम नहीं है, हलवा यकीनन बहुत अच्छी चीज है, हमको भी खिलाइए हम भी खाएंगे, मगर आपकी अकीदे के मुताबिक बना रहे, आप शबे बारात पर बना रहे तो क्यों बना रहे आप। एक साहब कहने लगे हलवा हम इसलिए बनाते क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे गज़वे उहुद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। लगे हलवा हम इसलिए बनाते क्योंकि नबी अकरम के दांत टूट गए थे गज़वे उहुद में, आपने हलवा खाया तो इसलिए हम हलवा खाते हैं। मैंने कहा भाई साहब गज़वे उहुद हुई है शव्वाल में और शबे बारात मना रहे हो शाबान में, तुम 2.5 महीना एडवांस में हलवा खा